हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में किरचॉप्स करंट लॉ ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 12th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस। देखो, ये सर्किट में यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, इट मींस बाय यूजिंग KCL, दैट इज किरचॉप्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आपको यहाँ 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो प्रॉपरली चेक करो 10 ओम के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है। तो जो करंट 10 ओम में से फ्लो होगा वही करंट 4 ओम में से भी फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक ही ब्रांच में सीरीज में है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो अगर इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नोडल एनालिसिस, तो सबसे पहले चेक करो कि यहां पे कितने नोड है। तो यहां पे सिर्फ एक नोड है जो हम कंसीडर करेंगे, ये ऊपर का ये नोड है। नोड क्या होता है? नोड एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है, ठीक है। तो ये है नोड। तो ये नोड के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज को हम कहेंगे दैट इज, चलो हम इसको कहेंगे वोल्टेज V1, ठीक है। ये जो नोड है इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने कहा V1। एक और नोड है, देखो यहाँ पे नीचे एक और नोड है, लेकिन ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज जीरो कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये जो नोड है इसको अर्थ से, ये देखो इसको अर्थ से कनेक्ट करना पड़ता है। ये देखो, इसका मतलब यहाँ पे अर्थिंग देना होता है। तो ये देखो इसके अक्रॉस का, ये हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किए, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करने से यहाँ पे इसके अक्रॉस का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। इसका मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो, ठीक है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज जीरो ये नोड का, और ये नोड के अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा V1, ठीक है। तो फाइनली ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नोड है V1, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने ले लिया है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये V1 फाइंड आउट करेंगे। एक बार ये V1 मिल जाता है तो फिर हम आसानी से ये V1 का यूज करके इधर का जो ब्रांच है जिसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है उसमें से फ्लो होने वाला करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम V1 निकालेंगे, और V1 निकालने के लिए हमें यहाँ पे KCL अप्लाई करना पड़ेगा एट दैट नोड। तो चलो हम अप्लाई करेंगे KCL। तो हम यहां लिख लेंगे अप्लाई दैट इज KCL एट नोड 1। देखो ये जो नोड 1 है इस यहां पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको वहां KCL अप्लाई करना है तो चेक करो कि यहां पे टोटल वो नोड पे कितने ब्रांचेस मिल रही है वो आप चेक करो। तो अगर आप यहां चेक करेंगे तो देखो ये जो नोड है यहां पे 3 ब्रांचेस मिल रही है। ये एक लेफ्ट साइड का ब्रांच, लेफ्ट साइड का ब्रांच जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, इसका मतलब एक बैटरी है। ये एक ब्रांच जिसमें एक और वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी है, और ये एक ब्रांच जिसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें अभी फाइंड आउट करना है जो कि क्वेश्चन में लिखा है ना। तो इस तरह से, तो यहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही है, कंफर्म है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बैटरी लगी है, बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स, हम इसको वोल्टेज सोर्स रख के ही हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी सॉल्व होता है, आंसर एक ही आता है। तो या तो आप ये दोनों को करंट सोर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, या तो ये वोल्टेज सोर्सेस को एज इट इज रख के सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वोल्टेज सोर्सेस को एज इट इज रख के सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। वहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहां पर हम ये नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे, और हमने यहां चेक कर लिया है कि यहां ये नोड पे 3 ब्रांचेस है, 1, 2, 3। तो सबसे पहले क्या करो, ये तीनों ब्रांचेस में हम करंट यहां पे कंसीडर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड का ब्रांच, ये लेफ्ट साइड के ब्रांच में करंट कंसीडर करो। तो जैसा हमने कहा था कि ये लेफ्ट साइड के ब्रांच में यहां पे बैटरी है, और ये बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स, तो ये वोल्टेज सोर्स के वजह से करंट फ्लो होगा। तो ये जो वोल्टेज सोर्स के वजह से जो करंट फ्लो होगा वो करंट हम ये ले लेंगे। करंट जो है वो प्लस टू माइनस आपको शो करना है। तो ये देखो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये तो इस तरह से ये करंट प्लस टू माइनस फ्लो होगा। तो ये जो बैटरी के वजह से ये जो करंट निकल रहा है, ये करंट को नाम दे दो। चलो हम इसको नाम देंगे दैट इज I1। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बैटरी के वजह से इतना करंट फ्लो होगा, ये करंट I1 5 ओम में से फ्लो होके यहां पे आएगा, ठीक है, ठीक है। ये करंट 5 ओम में से फ्लो होके ये नोड पे आएगा, और अब ये हो गया लेफ्ट साइड का ये पहले ब्रांच का करंट। अब देखो ये बीच में जो ब्रांच है इसको भी एक बार चेक कर लो। तो ये बीच में जो ब्रांच है इसमें भी एक बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है।
तो ये वोल्टेज सोर्स के वजह से भी यहां पे करंट फ्लो होगा, तो ये प्लस टू माइनस शो करना है, तो देखो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो ये हम प्लस टू माइनस करंट शो करेंगे। देखो ये है करंट, ये ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट, ये करंट को हम नाम देंगे दैट इज आई टू, ठीक है। इधर से आ रहा था आई वन, ठीक है, ये जो है ये लेफ्ट साइड के ब्रांच में से आ रहा है आई वन, और ये ब्रांच में से जा रहा है आई टू। ये आई वन आई टू दोनों ये नोड पे मिल जाएंगे, और इधर से थर्ड करंट फ्लो होगा, और ये करंट का नाम हम यहां पे दे देंगे आई थ्री। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन समझ में आया किस तरह से सर्किट ये वर्क करेगा। तो इधर से फ्लो होगा आई वन, इधर से फ्लो होगा आई टू, दोनों आई वन आई टू वो वी वन नोड पे मिल जाएंगे, और फिर दोनों मिलके आई थ्री बन जाएंगे, और वो आई थ्री, वो जो आई थ्री है वो ये ब्रांच में से फ्लो होगा, और इस तरह से जो है इधर करंट आके सर्किट इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो वो आई थ्री हमें फाइंड आउट करना है, तो तीनों ब्रांचेस में हमने यहां पे करंट शो किया है। चलो अब जैसा कहा कि ये वन नोड पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे, तो कैसे केसीएल अप्लाई होता है समझ लो, काफी आसान है। तो केसीएल अप्लाई करने के लिए वो जो नोड है उसमें जो भी करंट्स एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं वो सभी करंट्स का समेशन करो। तो चेक करो ये जो नोड है इसमें कौन सा करंट एंटर कर रहा है या कौन सा करंट लीव कर रहा है, मतलब कौन सा करंट वो नोड के अंदर आ रहा है या कौन सा करंट नोड के बाहर जा रहा है। तो अगर आप यहां चेक करोगे तो जो I1 है, I1 ये नोड पे एंटर कर रहा है, मतलब ये नोड के अंदर जा रहा है, और जो I2 है वो भी नोड पे एंटर कर रहा है, ठीक है। I1 और I2 दोनों नोड पे एंटर कर रहा है, लेकिन ये जो I3 है ये नोड से बाहर जा रहा है, इसका मतलब नोड से लीव कर रहा है, ठीक है ना, ये लीव कर रहा है इसका मतलब ये नोड के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये हम क्यों चेक कर रहे हैं, ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि समेशन करते समय यहां पे रूल क्या है वो समझ लो। रूल आपको ये यूज करना है कि जो करंट एंटर करेगा नोड पे उसको आपको यहां पे नेगेटिव में ले लेना है, और जो करंट लीव करेगा नोड से उसको आपको पॉजिटिव में ले लेना है। देखो ये रूल का हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको दोनों तरह से यहां इक्वेशन लिख के बताते हैं। तो फिलहाल हम ये नोड का, ये रूल का यूज करेंगे और समेशन करने वाले हैं। तो आई वन जो है वो नोड पे एंटर कर रहा है, तो आई वन हम यहां लिखते समय लिखेंगे निगेटिव में, दैट इज माइनस ऑफ आई वन, ठीक है। और जो I2 है वो भी नोड पे एंटर कर रहा है, तो एंटर कर रहा है तो ये भी I2 यहां पे हम लिखेंगे निगेटिव में, क्योंकि हमने कहा था जो करंट एंटर करेगा वो आपको निगेटिव में ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो I3 है वो नोड से लीव कर रहा है माने बाहर जा रहा है, ठीक है, तो I3 को हम ले लेंगे प्लस में, प्लस ऑफ I3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस तरह से समझ में आया, क्योंकि लीव कर रहा है तो हमें यहां पे पॉजिटिव में ले लेना है, तो ले लिए। और अब इसको अगर आप ये माइनस, ये दोनों माइनस को अगर आप उधर शिफ्ट कर लोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो आई थ्री इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख लेंगे आई वन प्लस आई टू, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। ये आई वन और आई टू दोनों माइनस में है ना, उधर शिफ्ट किए तो ये दोनों प्लस में हो गए। तो ये हमने रूल यूज किए, और ये रूल यूज करने के बाद ऐसा इक्वेशन आया। तो जैसा हमने कहा, अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता है, उल्टा मतलब जो एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव ले लो, जो लीव कर रहा है वो निगेटिव ले लो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए ना, तो ये जो इक्वेशन है उसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये आई वन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, आई टू भी पॉजिटिव में और आई थ्री निगेटिव में, इक्वल टू जीरो। देखो अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो ये इक्वेशन बनेगा, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आई थ्री माइनस में है इसको उधर शिफ्ट करो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वेशन ऐसा बनेगा आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री। तो ये देखिए दोनों रूल्स के थ्रू हमने आपको इक्वेशन लिख के बताया, पहले रूल के थ्रू इक्वेशन लिखे तो ऐसा आया आई थ्री इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और उल्टा रूल यूज किए तो इक्वेशन ये आया, ये भी आई थ्री इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, और दोनों के दोनों सेम है। तो ये हमने दोनों इसलिए बताया क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में ये रूल दिया है तो कुछ बुक्स में इसका उल्टा रूल दिया है। तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो रूल पढ़ा रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, हमने आपको दोनों तरह से बता दिए। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम को कंटिन्यू कैसे करेंगे उसके तरफ आप ध्यान दो, ठीक है। इक्वेशन तो बना लिए, लेकिन अब इसको कंटिन्यू करने के लिए यहां पे देखो तीनों में क्या लिखा है, तीनों में ये करंट लिखा है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये करंट्स को V बाय आर के फॉर्म में सेट करना है, करंट को V बाय आर के फॉर्म में इसलिए सेट करना है क्योंकि करंट का फार्मूला होता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, करंट I इक्वल टू V बाय आर,
ये ओम्स लॉ के थ्रू आपको पता है करंट का फार्मूला होता है, तो क्या करो, ये करंट I3 को भी V बाय R के फॉर्म में सेट करो, इसको भी V बाय R के फॉर्म में सेट करो और इसको भी, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो I1 की तरफ, I1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, I1 कहां से कहां जा रहा है, I1 जो है ये 9 वोल्ट बैटरी से ये नोड की तरफ जा रहा है, ये नोड पे वोल्टेज है V1 और ये बैटरी पे वोल्टेज है 9 वोल्ट, ठीक है। तो आपको इतना तो पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है, यानी ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ हमेशा करंट फ्लो होता है। इधर का वोल्टेज ज्यादा है, इधर का वोल्टेज कम है, इसका मतलब यह है क्योंकि जो करंट है ये बैटरी से ये नोड की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये करंट I1 को हम ऐसा लिखेंगे, देखो करंट I1 को हम लिखेंगे दैट इज 9, देखो 9 माइनस V1 बाय 5, ये देखिए ये हमने इस तरह से लिख लिए, ठीक है, ये हमने I1 को लिख लिए V बाय R के फॉर्म में, हमने कहा था आपको हर करंट को V बाय R के फॉर्म में लिख लेना है, तो ये करंट I1 को हमने V बाय R के फॉर्म में लिख लिए, ऊपर V क्या है दैट इज 9 माइनस V1, क्योंकि जो करंट है वो ये वोल्टेज से ये वोल्टेज के तरफ फ्लो हो रहा है, तो 9 माइनस V1, ठीक है, और ये 5 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय 5 V बाय R के फॉर्म में लिख लिए, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 5। और अब I2 की बारी, देखो I2 को भी हम उसी तरह से लिख लेंगे, तो I2 अगर आप चेक करेंगे कहां से कहां जा रहा है, जो करंट I2 है ये बैटरी से नोड की तरफ जा रहा है, बैटरी से नोड की तरफ जा रहा है, बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज है 6, तो इक्वेशन यहां पे क्या होगा, तो I2 के लिए हम लिखेंगे 6 माइनस V1, ठीक है, 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाय, ये ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है 6, तो हम यहां लिख लेंगे 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 6, ये देखो ब्रांच में वो ब्रांच में रेजिस्टेंस 6 ओम का है इसलिए 6, ठीक है, 6 माइनस V1 दैट इज हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है, ज्यादा वोल्टेज माइनस कम वोल्टेज, ठीक है, तो 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया I1 और I2। और अब I3 की बारी, I3 को भी हमें V बाय R के फॉर्म में सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे, देखिए चेक करो I3 कहां से कहां जा रहा है, तो जो करंट I3 है ये V1 से, ये देखो ये इधर के ब्रांच में से फ्लो होके इधर जा रहा है और यहां पे पोटेंशियल क्या है 0, इधर का नोड इसके अक्रॉस का पोटेंशियल V1 और इधर का नोड इसके अक्रॉस का पोटेंशियल 0, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे V1 माइनस 0, ठीक है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये पूरे ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, तो 4 और 10 दोनों सीरीज में है तो वो हो जाएगा 14, तो हम यहां लिख लेंगे, क्या लिखना है, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 14, इस तरह से, ओके, ये 14 क्यों आया समझ में आया, क्योंकि इधर के ब्रांच में दोनों सीरीज में है और दोनों में से I3 फ्लो हो रहा है इसलिए 14। और अब बस इसको सॉल्व करना है तो हमें V1 मिल जाएगा, और एक बार V1 मिल गया तो वही V1 का यूज करके हम ये 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट I3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ V1 अब्सेंट है, तो आसानी से V1 यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे दैट इज V1 बाय 14, ठीक है, और इक्वल टू ये इसको स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा 9 बाय 5 माइनस V1 बाय 5, ठीक है, प्लस 6 बाय 6 माइनस V1 बाय 6, ऐसा, ठीक है। और अब क्या करो, यहां से V1 जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है, और ये कुछ हम ऐसा लिख लेंगे V1 बाय 14 इक्वल टू ये 9 बाय 5 और प्लस 6 बाय 6 यानी 1, तो इस तरह से इसको एक ब्रैकेट में दे दो और ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और V1 कॉमन ले लो और बचेगा 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 6, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में है V1 बाय 14, राइट हैंड साइड में, तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हम लिख लेंगे 9 बाय 5 प्लस 1, तो ये हो गया 14 बाय 5, पहला 14 बाय 5, 14 बाय 5 को आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं, बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये माइनस V1 और इसका आंसर 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 6 यानी 5 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स, तो ये आ चुका है 11 बाय 30, तो हम ये लिख लेंगे 11 बाय 30, ओके। और अब क्या करो, ये जो V1 है ये V1 को इधर शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये V1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और V1 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो V1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 बाय 14 प्लस 11 बाय 30 इक्वल टू 14 बाय 5,
समझ में आया, ये माइनस टर्म है, इधर आके प्लस हो गया और उसमें से v1 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दो v1 की टर्म्स हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड में और 1/14 प्लस 11/30। और अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ चुका है 46/105। तो इसको चलो पॉइंट में निकाल लेते हैं, सो v1 और ये इसका आंसर आ चुका है 0.438, ठीक है, इक्वल टू 14/5 है, इसको भी हम पॉइंट में लिख लेते हैं तो ये हो गया 2.8। सो v1 निकालना है तो ये 2.8 को 0.438 से डिवाइड करो, सो v1 हमें मिल जाएगा तो हम लिख लेंगे 2.8 डिवाइडेड बाय 0.438। तो ये आंसर आ चुका है यहाँ पे 6.392 वोल्ट। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमें v1 मिल चुका है। जैसा हमने कहा था कि हमें पहले v1 फाइंड आउट करना है, उसके बिना आप 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो ये देखो हमने v1 फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब वहाँ पे जो सिंगल नोड है वो सिंगल नोड के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तो ये सिंगल नोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, दैट इज हमें मिल गया 6.392। अब ये वोल्टेज v1 का यूज करके आप i1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, i2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं और i3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे फिलहाल i3 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है और इसमें से फ्लो हो रहा है i3। तो चलो अब ये i3 फाइंड आउट करेंगे, सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर i3 इक्वल टू, अब i3 तो i3 के लिए हमने क्या लिखा था, देखो i3 के लिए हमने ये टर्म लिखा है, क्या लिखा है i3 के लिए v1 -0/14, ठीक है, इसका मतलब i3 की जगह हम यही टर्म यहां पे लिख लेंगे, i3 इज द दैट इज v1 -0/14। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली v1/14, तो v1 का वैल्यू यहां लिख लो, v1 है 6.392/14। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ चुका है 0.4565। तो ये हम यहां लिख लेंगे दैट इज 0.4565 एम्पियर। सो फाइनली हमें i3 मिल गया, इसका मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस मिल गया, यानी क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था ये वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, इट इज द 0.4545 एम्पियर। और प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था किरचॉप्स करंट लॉ, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 12। इसके पहले जो हमने इसके 11 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।